हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में जितने भी पर्सनली पिक्चर्स, वीडियो या कुछ भी आप हाइड करना चाह रहे हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और किसी को उस जगह पर पता भी नहीं चलेगा। वो किस तरह से, मान लें फ्रेंड्स आपके घर में, आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड में से कोई भी आपका मोबाइल ले लेता तो आपकी पर्सनली पिक्चर्स या ऐसी चीज़ों को भी वो देखना शुरू हो जाता है, वीडियो या कुछ भी जो कि आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते। और अगर आप उनको किसी लॉकर में रखते हैं तब भी वो शक करते हैं और पूछते हैं कि आपने उस ऐप में क्या चीज़ें रखी हुई जिसे आपने लॉक किया हुआ है। तो इस ऐप का जिसका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें सब कुछ हाइड करके रखा हुआ है। या आप देख सकते हैं ये ऐप इसी तरह लगेगा जिस तरह क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। आप उसमें ब्राउजिंग करेंगे जिस तरह के हम अपने ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसी तरह आपने इसको भी यूज करना है। लेकिन इसमें ये फीचर मिल जाता है कि आप कुछ भी इसमें जो है पर्सनली हाइड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाह रहे हैं सब हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जिस तरह आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, फर्स्ट लिंक होगा, वहां से आपने जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना और यहां पर एक लाइक मार दे वीडियो को, ठीक है। रेड कलर का बटन होगा, वहां पर चैनल पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे आना है और कॉमेंट बॉक्स में लिखना है नाइस ऐप, इतना लिखने के बाद सेंड कर दें। तो चले यहां पर आप लोगों का काम हो गया और यहां पर मैं इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेता हूं। जिस तरह आप इसे ओपन करेंगे इस तरह का इसका इंटरफेस है, ठीक है। यहां पर आपने स्किप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कोई भी आप सर्च इंजन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल, बिंग, याहू। और यहां पर आपने पासवर्ड रख लेना, वो सीक्रेट पासवर्ड। चले मैं यहां पर रख लेता हूं। तो यहां पर आप पासवर्ड रख सकते हैं जिससे आपने कोई भी अपनी पिक्चर वीडियो जो है हाइड करनी है, ठीक है। और नीचे कन्फर्म पासवर्ड भी सेम रख लेता हूं और यहां पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूं। और यहां पर आप देख रहे हैं जिस तरह हमारा नॉर्मल ब्राउजर होता है, यहां पर ब्राउजर जो है हमारा उसी तरह ओपन हो गया। यहां पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर मैंने अपनी साइट जो है सर्च कर ली है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट भी आ गई, यूट्यूब चैनल भी सब आ गया, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मली आप समझे जिस तरह आपका ब्राउजर है, लेकिन यहां पर आपने उस हिडन ऐप में किस तरह से जाना है, तो सिंपली आप लोगों ने यहां पर वो पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। वो पासवर्ड लिखें और यहां सर्च पे क्लिक कर दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो ऐप हमारा जो है वो ओपन हो गया। तो सिंपली आपने यहां पर क्लिक करना है फोल्डर पे, कोई भी फोल्डर का नाम रख ले, कंफर्म पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहां से आपने जो भी चीज हाइड करनी है वो कर सकते हैं, पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी है, ठीक है। ये फोल्डर बना ली, यहां प्लस पे क्लिक करें और यहां पर मैं गैलरी में चले जाता हूं। यहां से आपने कोई भी पिक्चर, वीडियो जो भी हाइड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं, और यहां पर क्लिक कर लें तो ये पिक्चर हमारी जो है यहां पर हाइड होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अनहाइड करनी है तो यहां पे क्लिक करें और ये पिक्चर जो है हमारी अनहाइड होगी। इस तरह से आप कोई भी वीडियो पिक्चर हाइड कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और वो यही समझेगा कि ये कोई भी आप ब्राउजर नॉर्मली यूज कर रहे हैं। यहां पर देखें आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये नॉर्मली ब्राउजर की तरह ओपन होगा। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक मारते जाएं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।